चीन को राजनाथ सिंह के दो टूक, एलएसी पर चीन की घेराबंदी और ज्यादा मजबूत। इंडियन आर्मी का दम देखकर क्यों डरा ड्रैगन? चीन की हिमाकतों से जुड़ी हुई सभी बड़ी खबरें हम आपको दिखाते हैं टॉप नाइन चीन के दहन। चीन से तनातनी के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन को कड़ा संदेश दिया है। राजनाथ सिंह ने कहा कि हमारी सेना एक इंच भी जमीन नहीं जाने देगी, देश की सुरक्षा के लिए सेना हमेशा तैयार है। भारत अपने सारे पड़ोसी देशों के साथ अच्छे रिश्ते चाहता है। एलएसी पर तनाव के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि भारत ये चाहता है कि टकराव खत्म हो, शांति स्थापित हो, लेकिन कभी कभी नापाक हरकत होती रहती है, ऐसे में सेना पूरी तरह से तैयार है। अपनी सीमा की रक्षा के लिए सेना के जवानों को समय समय पर अपना बलिदान देना पड़ा है। जवानों का मनोबल बढ़ाने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय सेना के साथ दशहरा मनाया। राजनाथ सिंह ने सुकमा वॉर मेमोरियल पर शस्त्र पूजा की, युद्ध स्मारक पर वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे भी उनके साथ मौजूद थे। एलएसी पर भारत चीन की लगातार मजबूत घेराबंदी कर रहा है। दार्जिलिंग में राजनाथ सिंह ने वैकल्पिक अलाइनमेंट गैंगटोक नाथुला रोड का उद्घाटन किया। सीमा सड़क संगठन ने इस रोड का निर्माण किया है। विजयदशमी पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने चीन पर करारा वार करते हुए कहा कि अब हम निर्बल नहीं हैं। चीन ने सीमा पर अतिक्रमण किया, जिसके बाद भारत ने चीन को तगड़ा सबक सिखाया है। सामरिक और आर्थिक दोनों दृष्टि से वो ठिठक जाए, इतना धक्का तो उसको मिला है। दशहरा के मौके पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने चीन को चेतावनी देते हुए कहा कि भारत की मित्रता वाली प्रवृत्ति को वो हल्के में ना ले, क्योंकि चीन ये बखूबी समझ गया है कि भारत कमजोर नहीं है। उनका स्वभाव विस्तारवादी है, सब लोग जानते हैं। भारत के साथ साथ ही एक साथ झगड़ा मोल लिया। लद्दाख में भारत से जारी तनाव के बीच ठंड में चीनी सैनिकों की हालत पतली हो चुकी है। इसका सबूत खुद चीन के भोपू ग्लोबल टाइम्स का ये ट्वीट है, जिसके मुताबिक ठंड से बचने के लिए पीएलए के सैनिकों को खाने में खास तरह के एनर्जी पैकेट्स दिए जा रहे हैं। चीन के ड्रोन कितने बड़े डरपोक शंख हैं, उसकी कलई आज खुल गई जब एयर शो के दौरान वो क्रैश हो गया। चीन ने अपनी कमी को छुपाने के लिए अब तक इस एयरक्राफ्ट का नाम नहीं बताया है। बताया जाता है कि उड़ान भरते समय ब्लास्ट के बाद उसके पुर्जे उड़ गए। क्वाड देशों की लामबंदी से चीन की धड़कनें बढ़ गई हैं। इस समूह में जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका शामिल हैं, जो चीन के विस्तारवादी नीतियों के खिलाफ उसके पड़ोसी देशों के साथ खड़े हैं। जिनपिंग सरकार ने क्वाड को सबसे बड़ा खतरा बताया है।